हे गाइस, सो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बिग बॉस के वोटिंग रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस हफ्ते मनीषा रानी, एलयू यादव एंड जिया शंकर एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुए थे। सो गाइस, अभी तक इनको कितने वोट मिले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन तीनों में से जिसको भी सबसे कम वोट मिलेंगे उसका मिड वीक इवेक्शन हो जाएगा, मतलब कि कल के दिन उसको बिग बॉस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक इनको कितने वोट्स मिले हैं। सो गाइस, यहाँ पर थर्ड यानी कि लास्ट नंबर पर चल रही हैं जिया शंकर, जिनको अभी तक लगभग 297,000 वोट्स मिल चुके हैं। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर चल रही है मनीषा रानी, जिनको अभी तक लगभग 498,000 वोट्स मिल चुके हैं। और गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहां पर फर्स्ट पर एलयू यादव चल रहे हैं। सो गाइस, यहां पर एलयू यादव को कितने वोट्स मिले हैं ये बताने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एलयू यादव के सच्चे फैन हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसे ही वोटिंग रिजल्ट से अपडेट करवाता रहता हूं, सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। सो गाइस, अभी तक एलयू यादव के यहां पर 769,000 वोट्स मिल चुके हैं और इसी के साथ वो फर्स्ट पर चल रहे हैं। और गाइस, अभी वोटिंग के हिसाब से यहां पर जिया शंकर लास्ट में चल रही है, यानी कि यहां पर जिया शंकर का मिड वीक इवेक्शन हो सकता है। बाय द वे, आप लोग क्या चाहते हो कि इन तीनों में से किसका मिड वीक इवेक्शन होना चाहिए, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज देता रहता हूं, सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा।